हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। मंथरा रानी के कई से हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय जयकार, मेरी कई कई रानी का जय जयकार, मेरी कई कई रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो, दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल दो अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। त्यागमूर्ति, धर्मस्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। ये समस्त लक्षणों से युक्त है, इसका नाम लक्ष्मण। और ये छोटे कुमार, छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना है अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृप्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसी होगी जैसे एक प्राण और दो शरीर। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। Thank you.
मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा था कि ऐसी राजहट से क्या लाभ जिससे बेटी का जीवन दांव पर लग जाए। धीरे रखिए दीदी, ये अवसर अधीर होने का नहीं है। तक शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही पन जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप उठई न चलही ल जाई। मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। दगई ने शंभु सरासनु कैसे कामी वचन सती मनु जय। अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परंपराक्रमी रणधीर शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी, उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाग सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो।
क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह फटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सह गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजे। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं, घोर निराशा के कारण यह उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। वरमाला पहना दो, जाओ बेटी जाओ। श्रीराम चकित चितवे सीता का
अद्भुत रूप निराला। हर्षोल्लोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। यह है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख, बता बता किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र,
यहां एकत्रित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। डिठाई की भी हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघारने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बंद हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है
तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। धनुष है, यह धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए।
क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। परंतु आप इस अमोद बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी। और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है, उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया, अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। मत करो लक्ष्मण, बस यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है
जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें, तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के संन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते, कभी कभी शस्त्र न उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता,
सगे स्नेही वे परिवारजन इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करें भैया। इतना क्रूर धन मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी, ये तुम नहीं जानते रघुनंदन। माँ, मुझे वन जाने से ना रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम वन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरी को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों के सेवा में समर्पित कर दी। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। नहीं दीदी, महान तो आप है, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं। सुमित्रा उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। माँ, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी, फिर उजड़ी हुई अयोध्या का राज देना अपने भरत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भे। नहीं, नहीं, विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी, पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे?
पिताश्री मुझ पे अनुग्रह कीजिए, पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित ना कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। गुरुदेव आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ, ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री, आप जैसे आदर्श राजा और धर्मपालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सौभाग्यवती भव। आओ चले। सुमंत, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। राम रूप को देख के
चकाचौंध भयने। अंबर से भू पर गिरी लगा काम का बाण, झुलस उठी काम अग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलसी की पौत्र, महात्मा विश्रवा की पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में चटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे कंधर विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इस सूखी सड़ी काट की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भागे ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ। तुम मेरे योग्य हो, मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो।
भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजकामनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहां याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अपनी कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे। कहती कहती मीनाक्ष, यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, थर दूषण मेरे भाई नहीं। अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सिंह देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूं भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन वृक है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में झम झम चलेगा तो माता ही कितनी प्रसन्न होगी, नहीं तो बनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में यह है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसा जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्रकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे यह सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती? परंतु भैया,
जो प्रकृति के विरुद्ध है? प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले सात हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेंगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। यदि मृग जीवित हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसकी मृगचर्म कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्ण कुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रख के पीछे जाता हूं, जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया।
लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, फांसी दे, फांसी दे। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। वैसे हमें बुला रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है, लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो, जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो? लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें तक कर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डिंगे मारते रहते हो, और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया, तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं, भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हर धर्मी पर उतर आए हो, सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ, धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। पाते ना करो कर्म, करो कर्म। अच्छी बात, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए,
भैया मुझे क्षमा करना। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं, इनकी रक्षा कर रहा हूं।